इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए आज आपका परिचय जैसलमेर के पालीवाल शैली के आवास प्रकार से कराते हैं। पालीवाल आदि गौड़ ब्राह्मणों के एक समुदाय जो काफ़ी समय तक पालीवाल जिले में जीवन यापन कर रहे थे, वे 13वीं शताब्दी में यह स्थान छोड़कर जैसलमेर के तरफ आंतरिक क्षेत्र में फैल गए थे। पालीवाल शैलियों के 84 गांव थे जिसको खेरा नाम से जाना जाता है। ये गांव स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों से संपुष्ट थे। शिल्प कौशल पर आधारित इन संरचनाओं का 15वीं ईस्वी के बाद का समय माना जाता है। जैसलमेर पीले पत्थरों पर नक्काशी युक्त आवासों की एक भव्यतम को प्रदर्शित करने वाला सुंदर शहर है, जिसमें निर्मित आवासों में अग्रीय भाग गुड़ ज्यामिति संरचनाओं पर आधारित खूबसूरत घर बनाता है। इन आवासों में जालीदार खिड़कियाँ होती है जिनमें उच्च कलात्मक श्रेणी के शानदार और आकर्षक खंभे होते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित सभी भव्य एवं आकर्षक स्थापत्य कला की संरचनाओं के कारण बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। पालीवाल शैली के आवास गृह वैभवता के संकेतक हैं। यह समृद्ध लोग अपनी रुचिपूर्ण वस्तुओं के साथ आरामदायक जीवन यापन करना पसंद करते हैं। प्रत्येक मकान के अग्रभाग में सकरे प्रवेश के साथ खुली छत एवं बालकनी, आच्छादित खिड़की जिसे गोखड़ा होती है, मध्य में आयताकार बड़ा कक्ष होता है एवं स्थानीय नाम इसे मोल कहते हैं, अंदर की तरफ खुलता है एवं सभी ओर ये दीवारों से बंद होता है। यही योजना ऊपरी मंजिल में भी दोहराई जाती है। छत प्लंग को ढककर कास्ट के खंडों को एक पंक्ति में जमा कर बनाई जाती है, जिसे कास्ट की भारी बीम मजबूती प्रदान करता है। इसे मिट्टी फैलाकर जल अवरोधक बनाया जाता है। मकान में दो भूमिगत कक्ष होते हैं जिनका उपयोग आराम कक्ष के रूप में किया जाता है। घर के मुख्य भाग एवं कास्ट पर अलंकरण के अतिरिक्त पत्थर पर छिद्रित गहन मुद्रित जाली पालीवाल मकानों की विशिष्टता रही है। खिड़कियाँ जिसे अपन बालकनी कहते हैं, बरामदों तथा उभारों पर ज्यामिति एवं जीवन संबंधी अनेक प्रतिमानों पर आधारित होता है। अनेक प्रतिमानों विविधताओं को दर्शाती खूबसूरत नक्काशी युक्त जालियाँ इन मकानों को वैविधता प्रदान करती है। अग्री भाग प्रमुख भाग को सिलसिलेवार प्रस्तुत करता है। इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप घर में सुरक्षित रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।